जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। रशिया आ रहे हैं, उन्होंने रातों रात मतलब उसी टाइम पे पार्लियामेंट से ये लॉ पास कराया, बैन भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद फ्रॉम एंटरिंग अमेरिका एंटरिंग रशिया। तो पार्लियामेंट उनका जो है उनने लॉ पास किया कि भक्तिवेदांत स्वामी कैन नॉट लैंड इन रशिया। तो वो जैसे ही आए इमिग्रेशन से उनको वापस भेज दो यूरोप, उनको एयरपोर्ट के बाहर भी आने मत दो। सो प्रभुपाद लैंडेड इन रशिया, इमिग्रेशन ऑफिसर पुलिस सब पहुंच गए प्रभुपाद के पास, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू गो इन गो स्टेप इन रशिया। इतना डर गए थे रशियंस क्योंकि अमेरिका में यूरोप में प्रभुपाद ने तूफान मचा दिया था और लोग लाख पागलों से भक्ति में आ रहे थे। दे वर वेरी स्केर्ड, कम्युनिस्ट कमिटी थी वो टाइम पर, वेरी स्केर्ड। तो प्रभुपाद को बैन कर दिया उन्होंने। प्रभुपाद ने बोला ओके इफ आई कांट गो देन आई गो बैक। तो उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट में प्रभुपाद का टिकट बोला और प्रभुपाद को किसी से मिलने भी नहीं दिया एयरपोर्ट पर, प्रभुपाद को किसी से मिलने नहीं दिया। प्रभुपाद को सराउंड करके 10-10 गार्ड यू नो खड़े थे कि ये आगे किसी से मिल नहीं ले। तो देन उन्होंने प्रभुपाद को मंदिर में बिठाया, प्लेन में बिठाया। तो बैठे प्लेन में, प्रभुपाद जो बैठे सीट पे उसके बाजू वाले सीट में एक रशियन लड़का आके बैठा, यंग लड़का। वो रशियन लड़का नेक्स्ट हॉपिंग फ्लाइट में नेक्स्ट आधे घंटे या 40 मिनट्स के अंदर वो फ्लाइट से उतरने वाला था। मतलब ही वॉज गोइंग टू बी विद प्रभुपाद फॉर 35-40 मिनट्स ऑन द फ्लाइट। प्रभुपाद ने उससे बात चालू की, उसको थोड़ी इंग्लिश आती थी रशियन लड़के को। प्रभुपाद ने 15 मिनट के अंदर उसको कन्विंस कर दिया, 20 मिनट के अंदर उसको दीक्षा दे दी, 25 मिनट के अंदर उसको भगवत की अपनी सारी किताबें दी, 30 मिनट के अंदर बोला आप जाओ वापस रशिया इसको ट्रांसलेट करो रशियन में, 30 मिनट के अंदर प्रभुपाद ने उसको पूरा मतलब इतना उसके अंदर भर दिया कि 30 मिनट के अंदर उसको इतना कन्विंस कर दिया कि ही गेव हिज होल लाइफ। दीक्षा ले लिया उनने, प्रण ले लिया कि मैं आपकी सारी बुक्स को ट्रांसलेट करूंगा रशिया में। एंड प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप उतर रहे हो, आप रशिया जाओ वापस और ट्रांसलेट चालू करो। एंड दैट वन पर्सन 30 मिनट के अंदर प्रभुपाद ने पूरा रशिया का मूवमेंट का सीट शो कर दिया जो आज देख रहे हो रशिया के अंदर। दिस इज व्हाट प्रभुपाद पावर इज, कैन इमेजिन। 30 मिनट्स के अंदर फ्लैट वो लड़का रशियन से नॉन वेज ईटिंग से बीफ ईटिंग से प्योर वैष्णवा बन गया। एंड वो रशिया में आया प्रभुपाद की बुक्स लेके, सारी बुक्स को रशियन में ट्रांसलेट किया। एंड जिस दिन प्रभुपाद की बुक्स रिलीज हो रही थी, प्रभुपाद की भगवद गीता जो रिलीज हो रही थी, फर्स्ट भगवद गीता प्रिंटेड इन रशियन लैंग्वेज, 50,000 बुक्स वर गोइंग टू बी लॉन्च्ड। रात को नाइट को जैसे मूवी थिएटर के ऊपर टिकट के लिए लाइन लगती है ना, इस्कॉन के सेंटर के बाहर में ऐसे लाइन लग गई। एंड विद इन वन आवर 50,000 गीता खत्म, बिक गई प्रभुपाद की। दिस इज व्हाट प्रभुपाद डिड इन रशिया, यू कैन इमेजिन। दिस इज द पोटेंसी ऑफ यू नो हाउ प्रभुपाद क्रिएटेड द होल मूवमेंट। प्रभुपाद ने अमेरिका में कैसे किया, अमेरिका में प्रभुपाद बीच में गए, बीच प्रभुपाद को लगा किसी ने बोला कहाँ पर जाके कीर्तन कर सकता हूँ, उन्होंने बोला ये बीच में चले जाओ। प्रभुपाद को नहीं पता था कि वो नेकेड बीच है, दैट बीच वाज नेकेड बीच, सब लोग यू नो नेकेड होके सो रहे होते हैं बीच पे, बॉयज एंड गर्ल्स। प्रभुपाद चले गए वहाँ पे, प्रभुपाद ने देखा ये क्या है, तो प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे आ गया थोड़ा कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद ने चटाई बिछाई, अपनी आंख बंद की कीर्तन चालू किया। 15-20 मिनट के अंदर जितने भी लोग बीच पे थे, 3,000-5,000 लोग, सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। प्रभुपाद के कीर्तन सुन के जितने लोग बीच में आए थे नेकेड लाइन करने के लिए, सब लोग ने अपने कपड़े पहन लिए। और प्रभुपाद के 15-20 मिनट प्रभुपाद को सबने सराउंड किया। जो देखते हैं ना, आपने वीडियो देखा होगा प्रभुपाद बीच में बैठे हैं, लोग सराउंड करके डांस कर रहे हैं प्रभुपाद को, उसी बीच का है वो। तो सब लोग ने डांसिंग चालू कर दी, कीर्तन। आधे घंटे में प्रभुपाद ने अपनी आंख जब खोली तो 3,000 लोग प्रभुपाद के सराउंड करते डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। और जब प्रभुपाद ने फिर ये कीर्तन चला 6-7 घंटे 8 घंटे चला, पूरा बीच हरिनाम जप कर रहा है पूरा बीच। तो जो ट्रैफिक हवलदार थे सब लोग पागल हो गए, क्या हो क्या रहा है ये, यू नो सब लोग यहाँ पे तो यू नो लाई डाउन करने आते हैं नेकेड करके स्विम करने, यहाँ सब लोग कीर्तन कर रहे हैं डांस कर रहे हैं कपड़े के पहन के। ऐसे प्रभुपाद ने कीर्तन बंद किया और अपने मंदिर सेंटर जाने के लिए वापस प्रभुपाद चले। वो टाइम पे 2,500-3,000 लोग प्रभुपाद को फॉलो कर रहे थे सेंटर तक जाने। ये प्रभुपाद का पावर था।
जिस प्रकार आग के पास में आने से आपको हीट लगती है, बर्फ के पास जाने से आपको ठंड लगेगी लगती है, उसी पर प्रभुपाद के पास आने से लोगों को भक्ति लगती थी, भक्ति वाइब्रेशन उनमें आ जाता था, भक्ति वाइब्रेशन। दैट वाज प्रभुपाद। एक बार एक डिसाइपल ने पूछा कि अ प्योर डिवोटी तो 24 घंटे जप करते हैं, लेकिन हम तो आपको देखते नहीं है, आप तो प्रीचिंग करते हो, सब करते हो, तो आप 24 घंटे जप कैसे करते हो? तो प्रभुपाद बोला, ठीक है इधर आओ, मेरे कमर पे अपना सर लगाओ। प्रभुपाद बात कर रहे थे, प्रीच कर रहे थे, और जैसे ही डिसाइपल ने प्रभुपाद के कमर पे अपना कान लगाया तो प्रभुपाद के हार्ट में से उसको सुनाई दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभुपाद की हार्ट बीट हरे कृष्ण जप कर रही है और प्रभुपाद की वाणी प्रीच कर रही है। ये है प्रभुपाद, और हम इनको छोड़ के किसी फालतू गुरु के पीछे भागते हैं दीक्षा लेने के लिए, जिनके हार्ट बीट ही हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। और लोग सुन सकते थे प्रभुपाद के कान लगा के कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज श्रील प्रभुपाद, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज फ्रॉम गोलोक वृंदावन।